बनाने वाले हैं साबूदाने की खिचड़ी। अभी ये 2 मिनट इसको लो हीट पे गरम कर लिया है। अभी इसमें अपन जीरा डालेंगे। अभी एक दो जीरा पॉप होना चालू हो गया कि इमीजिएटली आप इसमें गैस को बिल्कुल कम कर दीजिए और ग्राइंड किया हुआ सिंगदाना डालिए इसमें। ये कच्चा ग्राइंड करने का है और बाद में इसमें थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसको रोस्ट कर लेंगे। ये भिगोया हुआ साबूदाना है, इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए। इसके साथ ही इसमें मिर्ची और कड़ी पत्ता डालिए। इसके साथ में ये रोस्ट होते रहे। ये ब्राउन होने के बाद इसमें साबुन मिला दीजिए। साबुन मिलाने के बाद इसमें नमक डाल दीजिए। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मिक्सिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको बाद में इसको मिक्स करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसको एक बार ढक दिया तो खोलने का नहीं रहता, तो इसको पहली बार में ही अच्छे से मिक्स कर लेना। इसमें थोड़ा नींबू निचोड़ लेते हैं। मिक्स हो गया और इसको ढक्कन लगा के लो गैस पे 2 मिनट रख के गैस बंद कर दिया। अभी ये खिचड़ी में वाटर ड्रॉपलेट जमा होने लगे तो 1-2 मिनट बाद इसको, इसमें भाप आने का रास्ता नहीं देखने का है। वाटर ड्रॉपलेट जमा होने लग गए तो इसको बाजू में रख दीजिए, गैस बंद कर दीजिए और इसको अभी 10 से 15 मिनट के बाद खोलने का। जो साबू खिचड़ी रखी थी गैस बंद करके, ये 10 मिनट में तैयार हो गई है। अभी आप देखेंगे ये पूरी लूज बनी हुई, देखिए कहीं भी चिपचिपी नहीं है, नीचे 1% भी कहीं लगा नहीं है, जला नहीं है ये। इसको आपको गार्निश करना है तो थोड़ा सा कसा हुआ गीला नारियल डाल दीजिए, इसमें कटा हुआ धनिया डाल दीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए। अब इसके टेस्ट देखिए और इसका सॉफ्टनेस देखिए। आपका रेगुलर खिचड़ी तेल में ये बनाते हैं ना तो थोड़ी इतनी सॉफ्ट नहीं बनती, इसका सॉफ्टनेस देखिए। चलिए इसका टेस्ट करते हैं और देखते हैं
कि कैसे बना है। वैसे तो काफी खिला खिला दिख रहा है, जैसे हम लोग काफी सारा घी डाल के जो हम बनाते हैं वैसे खिला खिला दिख रहा है एकदम। चलिए टेस्ट देखते हैं। ये आप बोल नहीं सकेंगे इसमें कि इसमें घी नहीं डाला हुआ है, एकदम सॉफ्ट बना है ये और फुल ऑफ फ्लेवर है इसके अंदर में। इसमें धनिया का फ्लेवर इन्होंने जो ऊपर से डाला है वो आ रहा है, जीरे का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और जो इन्होंने पीनट का जो चूरा डाला है इसके अंदर में वो भी बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। तो काफी अच्छी बनी है, तो मेरे ख्याल से अब हमको घी डालने की जरूरत नहीं है जब हम नेक्स्ट टाइम खिचड़ी बनाते हैं।